तामा साहब आपका पैगाम आ गया है, लेकिन बड़े अदब के साथ मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा आपसे। भी आपने किताब का हवाला दिया कि वो मौर्रखीन का काम है लिखना और वो फिर बाद में लोगों तक पहुंचेगी। जब आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे पूछते हैं तो आप बारहा कहते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा इस बारे में कोई किसी भी बारे में, मतलब आपसे जो पूछा जा रहा है। एक चीज के बारे में मैंने कहा, नहीं मैं गुजारिश मेरी सुन ले, मेरी गुजारिश में मैंने कहा, मैंने अभी आपसे पूछा, आपने कहा मैं किताब में बताऊंगा, मैंने बता दिया भाई जमजम पिला दो, जमजम पिला दो, बेशक वो आपने बता दिया, हर जगह नहीं फिट होगा। देखिए हमारा हमारे जुमले जो है इस वक्त एक तवील, वो भी एक स्कॉलर, मैं उसी जाने जा रहा हूँ, मैं उसी जाने लुगत बन रहा है। मेरा सवाल सुन, देखिए वो है, ये तो होगा तू आ गया जवान होकर, ये मेरे जुमलों पर एक लुगत तैयार हो, बिल्कुल हो गया। अच्छा, अब शेर में भी लफ्ज होते हैं और खिताबत में भी होते हैं, बहुत हो। अब उन जुमलों से अगर उर्दू सीख रहे हैं कुछ लोग तो सीखने दी। मैं उसी जाने पा रहा हूँ, मेरा सवाल ले लीजिए, उसी जाने पा रहा हूँ। आपने अपना पैगाम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी आपने पैगाम दिया। मैं फिर आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जो लड़के सीख रहे हैं फिर आप उन लड़कों को माफ कर दीजिए। आज फतह मक्का का दिन है, तरीके का देखिए इजहार, नहीं जिन्होंने मुकद्दसात के खिलाफ बात की, मैं तो माफ की हूँ, मैं कोई उन्हें कत्ल करने जा रहा हूँ नहीं या मैंने कोई एक्शन लिया, मैं तो भाई देखिए बात सुनिए, साइबर क्राइम में रिपोर्ट है, अभी आपने कानून बना के दिया है, मुश्किल से 20 दिन पहले इसी कोरोना के दरमियान में न्यूज आई है कि किसी की तस्वीर, किसी का मैटर आप चुराएंगे, बिल्कुल। ये तीन मिनिस्ट्रियों के 7 आदमी लिए गए हैं, वजारत खारजा, वजारत दाखिला, और इसमें 7 आदमी ये काम करेंगे कि अगर आप किसी कंपनी का मवाद चुरा रहे हैं तो वो कह रहे हैं 50 लाख जुर्माना गवर्नमेंट करेगी, उसके बाद 1 करोड़ और 1.5 करोड़ तक जा रहा है, सजा भी है। अच्छा, अब इसमें फेसबुक ये कह रहा है कि चूंकि अभी कोरोना चल रहा है इसलिए हम इसके ऊपर कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं, इसके माने इकदाम बाद में होगा, जब इकदाम होगा तो आप जब चोरी करेंगे ना तो चोरी में आप पकड़े जाएंगे, लेकिन मैंने तो कोई इकदाम ही नहीं किया, तो ये क्या तुम बार बार कह रहे हो कि माफ कर दो, भाई मेरे समझ में ये बात ही नहीं आ रही, मैंने क्या किया उनके साथ, भाई मैं डंडे लेके गया हूँ, मैंने उनको मारा है, मैंने कोई फौज भेजी है, मैंने उनका सर फाड़ा है, क्या मतलब माफ क्या कर, भाई क्या मैं कह रहा हूँ, मैं उनको क्या कह रहा हूँ भाई, आप ये काहे के लिए कह रहे हैं, आप उन्हें कुछ नहीं कह रहे, मतलब ये जुमला क्या मतलब है, माफ कर दीजिए, ये फतेह मक्का है क्या, फेसबुक क्या फतेह मक्का है, और मैं सैयद को तो क्या रहा है, रसूल की सीरत पर यानी तंबी ना की जाए, एक तरफ आप ये कह रहे हैं इस्लाह कर दीजिए, एक तरफ आप कह रहे हैं माफ कर दीजिए, अरे भाई इस्लाह तो करने दो, या तंबी तो करने दो, समझाने तो दो, भाई समझाने तो दो, बात तो कहने दो, माफ कर दीजिए, पहले ही माफ कर दीजिए, अरे भाई रसूल अल्लाह को बुरा कह रहे हैं, उन्हें आयत का मजाक उड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं माफ कर दीजिए, उनकी बात माफ कर दीजिए, अभी तो आप इसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि तुमने रिसालत फलां करेगा और ईसाई करेगा और हिंदू करेगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर दे, जब आपके मुसलमान कर रहे हैं तो माफ कैसे कर, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, कैसे माफ कर दीजिए, उन्हें माफ कराना चाह रहे हैं, बिल्कुल माफ ना करें, क्यों माफ कराना, उन्हें बिल्कुल माफ ना करें, मैं ये गुजारिश, मैं कैसे माफ करूं, एक तासुर ये जा रहा है, उन्हें रिसालत हो रही है, बिल्कुल माफ ना करें, करें बिल्कुल ना करें उन्हें माफ, तो फिर क्या मतलब है, तासुर ये जा रहा है, जुमला कहे के लिए बार बार कह रहे हैं आप, माफ खिलाफ कोई बात हो रही है उससे वो कह रहे हैं, नहीं मेरे खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है, मैं अपनी जाती बात ले ही नहीं रहा हूँ, मैं अपनी जाती बात मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह की तौहीन हो रही है, आपके दीन की तौहीन हो रही है, बिल्कुल सही है, आप जिसको आप मान रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुफ्ती साहब आपके दीन की तौहीन हो रही है, मैं आपको दिखाऊं, अभी फेसबुक खोल के दिखाऊं, दुरुस्त, मैं आपको गाली दिखाऊं, अलामा साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं यही अभी मोबाइल मंगा के दिखाऊं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, अलामा साहब कर रहे हैं, आप कह रहा हूँ आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये क्या प्रोग्राम कर रहे हैं अलामा साहब, मैं आप बिल्कुल दुरुस्त, माफ कर दिए, भाई मैं मेरी खता थोड़ी उन्होंने की, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा, अल्लाह की खता की माफ, मैं यही बात उन्हें बताना चाह रहा हूँ, नादान माफ कर रहे हैं, वो दीन की खता की माफ चाह रहा हूँ, कि जो कर रहे हैं बचकानी बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ये बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, बच्चों वाली बात कर रहे हो अलामा साहब, मैं माजरत खाता, बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, आपके हवाले से नहीं कर रहा था, मैं चाह रहा था वो चीज की बात बढ़ा दें आप अलामा साहब, इनके बाद माफ कर दे क्या मतलब, मैं तुमसे कह रहा हूँ अल्लाह की तौहीन हो रही है, आप बिल्कुल तुम कह रहे हो माफ कर दो।